देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा कार्डिगन का स्वेटर का डिजाइन लेके आई हूँ। तो बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बनाएंगे। तो इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने ये नॉर्मल वर्धमान वाली वूल ली है और 10 नंबर की मैंने ये सिलाई ली है। तो इस डिजाइन को बनाएंगे हम, लेडीज स्वेटर में डालिए, लेडीज कार्डिगन में डालिए, लेडीज जैकेट में डालिए, गर्ल स्वेटर में, फ्रॉक में, किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए आप इसको, बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बनेगा। इसको आप बॉर्डर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे स्कैलप बॉर्डर के लिए भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और आप इसको पूरे कार्डिगन स्वेटर में भी डाल सकते हैं। चलिए बुनना शुरू करेंगे। नॉर्मल ये 4 प्लाई वाली वूल है, 10 नंबर की सिलाई है और इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे जो फंदे डाले हैं वो 12 के हिसाब से डाले हैं, 12 के मल्टीपल। जैसे पहले 12 फंदे गिनिए, फिर से 12 गिनिए, फिर से 12, फिर से 12, लास्ट में आपका एक फंदा एक्स्ट्रा होना चाहिए तो डिजाइन अच्छे से बन के आएगा। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। तो फंदे डालने के बाद, फंदे डाल के मैंने सीधी तरफ से भी एक सिलाई उल्टी बुनी है और उल्टी तरफ से भी एक सिलाई उल्टी बुनी है। तो इसी तरह से आप दोनों तरफ से एक एक सिलाई उल्टी बुन लीजिएगा और फिर आप इसको फर्स्ट रो से बुनना शुरू करेंगे। तो चलिए इसको बनाएंगे। डिजाइन की फर्स्ट रो है, राइट साइड है। अगर आप इसको बॉर्डर के लिए अप्लाई करेंगे तो आप इस तरह से इसको बुन लीजिए और आप इसको अगर पूरे कार्डिगन में डालेंगे, कोई और बॉर्डर बना के ऊपर डालेंगे तो राइट साइड से फर्स्ट रो से डिजाइन बनना शुरू हो जाएगा। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। तो देखिए, एक, दो, तीन, चार, चार फंदे उल्टे बनाने के बाद दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे ऐसे। अब धागे को अपनी तरफ रखेंगे, पीछे करेंगे ऐसे और ऐसे घुमा के जाली डालेंगे, फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे ऐसे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, ऐसे घुमाएंगे, जाली डालेंगे और चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, चार फंदे उल्टे बनाने के बाद इन तीन फंदों का एक फंदा बना लेंगे ऐसे, तीन का एक बनाएंगे, इसको उतारेंगे, फिर आगे चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार। अब देखिए आपके प्रोजेक्ट में जितने भी फंदे हों, आप देखिए यहाँ से बनाना शुरू कीजिए। जो अब जाली डलेगी यहाँ से, स्टार्टिंग के 6 फंदे छोड़ के जो हमने बुने हैं और जो ये जाली डाली है यहीं से और यहाँ तक 12 फंदों को फिर से रिपीट करेंगे। तो धागे को पीछे करेंगे, ऐसे धागा घुमाएंगे, जाली डालेंगे और ये फंदा सीधा बना लेंगे इस तरह से, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, ऐसे घुमाएंगे, जाली डालेंगे और यहाँ पर फिर से 2 का 1 बनाएंगे ऐसे, फिर लास्ट में 4 फंदे हैं, इन फंदों को उल्टा ही बुन लेंगे। तो ये डिजाइन की हमारी फर्स्ट रो बन के कम्प्लीट हो गई। अब आ जाइए उल्टी तरफ, यहाँ से पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे, सभी फंदे उल्टे बनाते हुए इस दूसरी सिलाई को बना लेंगे। तो ये दूसरी सिलाई बन के कम्प्लीट हुई। अब आ जाइए सीधी तरफ तीसरी सिलाई में। अब देखिए यहाँ पर बुनिए, एक, दो, तीन, तीन फंदे बनाने के बाद फिर से 2 का 1 करेंगे ऐसे। अब धागे को पीछे करेंगे, अब देखिए जो ये जाली वाला फंदा है इस फंदे को सीधा बनाएंगे ऐसे, अब धागा अपनी तरफ करेंगे ऐसे, ऐसे घुमा लीजिए, जाली डालेंगे और इस फंदे को सीधा बनाएंगे, फिर देखिए ऐसे घुमाएंगे, जाली डालेंगे और फिर ये जाली वाले फंदे को सीधा बुन लेंगे। जब हम जाली डालेंगे तो जो सेंटर में फंदा चलेगा सीधा, इसके दोनों तरफ जाली डालते जाएंगे, धागा अपनी तरफ, अब यहाँ पर 3 फंदे उल्टे, 1, 2, 3। अब देखिए यहाँ पर इन 3 फंदों का एक फंदा करेंगे, बीच में जो फंदा है ये 3 का 1 है, दोनों तरफ से एक एक फंदा लेके इन 3 फंदों में सिलाई डाल लेंगे
और तीन का एक उल्टा फंदा ऐसे बना लेंगे इस तरह से। फिर देखिए एक दो तीन, धागे को पीछे करेंगे। अब देखिए ये जाली वाला फंदा है, इसको सीधा बना लेंगे। अब बीच में जो सीधा फंदा है इसके साथ में जाली डालेंगे तो ऐसे घुमाएंगे, फिर सीधा फंदा बनाएंगे, फिर घुमाएंगे जाली डालेंगे और ये जाली वाला फंदा सीधा बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे ऐसे, फिर लास्ट के तीन फंदे उल्टे। ये तीसरी सिलाई बन के कंप्लीट हुई। अब आ जाइए उल्टी तरफ चौथी सिलाई। इस प्रोजेक्ट में उल्टी तरफ से सभी सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बन के कंप्लीट होंगी। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बनेगा। आप इसको बॉर्डर के लिए अप्लाई कीजिए या आप इसको पूरे स्वेटर कार्डिगन में किसी में भी डालिए, बहुत ही सुंदर डिजाइन बनेगा। बिल्कुल नया डिजाइन है और आप इसको आसानी से बुन लेंगे, बिगनर्स भी इसको आसानी से बना लेंगे जिसको उल्टा सीधा बुनना आता है। तो यहाँ से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना लीजिए। ये हमारे डिजाइन की चौथी सिलाई है। जाली वाले फंदे को भी उल्टा ही बुनेंगे। तो देखिए ये हमारी चार सिलाइयाँ बन के कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए सीधी तरफ, यहाँ से पांचवी सिलाई। फिर ऐसे ही बनाएंगे एक और दो। अब देखिए इन दो फंदों का एक करेंगे उल्टा ऐसे। अब धागा पीछे करेंगे। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जाली से बड़ा हुआ फंदा है इसको सीधा बनाएंगे, ये जाली वाला फंदा है इसको भी सीधा ही बनाएंगे। फिर धागा ऐसे घुमाएंगे, लपेटेंगे, जाली डालेंगे और इस फंदे को सीधा बना देंगे। जो सेंटर में फंदा है इसके दोनों तरफ ऐसे जाली डलेंगे। अब ये दो फंदे जाली से बड़े हुए सीधे ऐसे, धागा अपनी तरफ। अब यहाँ पर दो फंदे एक दो, दो उल्टे बनाएंगे, फिर से तीन का एक करेंगे, फिर दो फंदे उल्टे एक दो, धागा पीछे करेंगे, फिर से ये दो फंदे सीधे जो जाली से बड़े थे, धागा घुमाएंगे, जाली डालेंगे, इस फंदे को सीधा बुन लेंगे, फिर घुमाएंगे धागा, जाली डालेंगे और दो फंदे फिर से सीधे एक दो, धागा अपनी तरफ, फिर से दो फंदे उल्टे, दो का एक बनाएंगे और दो फंदे उल्टे। डिजाइन की पांचवी सिलाई बन के कंप्लीट हुई। अब आ जाइए छठी सिलाई उल्टी तरफ, पूरी सिलाई को उल्टा बुनेंगे। तो ये छठी सिलाई उल्टी बन के कंप्लीट हुई। अब आ जाइए सीधी तरफ सातवीं सिलाई। तो देखिए एक फंदा उल्टा, फिर दो का एक करेंगे, दो फंदों में सिलाई डाल लेंगे, उल्टा फंदा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। अब ये जाली से बड़े हुए तीन फंदे हैं इनको सीधा बुनेंगे एक दो तीन, फिर धागा घुमाएंगे, जाली डालेंगे, इस फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर घुमाएंगे, जाली डालेंगे और ये तीन फंदे सीधे एक दो तीन, धागा अपनी तरफ। अब एक फंदा उल्टा, फिर यहाँ पर तीन फंदों का एक फंदा बना लेंगे ऐसे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे। अब ये तीन फंदे जो जाली से बड़े हुए हैं एक दो तीन, तीन फंदे सीधे, धागा घुमाएंगे, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, फिर घुमाएंगे, जाली डालेंगे और तीन फंदे सीधे एक दो तीन, धागा अपनी तरफ, फिर से दो फंदों में सिलाई डाल लेंगे और दो का एक बनाएंगे, फिर एक फंदा उल्टा। तो सातवीं सिलाई बन के कंप्लीट हुई। आठवीं सिलाई को पूरी को उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो ये आठवीं सिलाई उल्टी तरफ से बन के कंप्लीट हुई। अब आ जाइए नौवीं सिलाई। तो अब यहाँ पर नौवीं सिलाई में दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे ऐसे, धागा पीछे करेंगे। अब ये जाली से बड़े हुए फंदे एक दो तीन,
चार, धागा घुमाएंगे जाली डालेंगे और ये फंदा सीधा, फिर धागा घुमाएंगे जाली डालेंगे और जाली से बढ़े हुए फंदे सीधे, एक दो तीन चार, धागा अपनी तरफ। अब देखिए यहाँ पर कुल तीन फंदे हैं तो तीनों फंदों में सिलाई डालेंगे और तीन का एक उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे जाली से बढ़े हुए, एक दो तीन चार, धागा घुमाएंगे जाली डालेंगे इसको सीधा बनाएंगे, फिर धागा घुमाएंगे जाली डालेंगे और ये चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, धागा अपनी तरफ फिर से दो का एक करेंगे। तो डिजाइन की नौ सिलाई बन के कंप्लीट हुई, दसवीं सिलाई उल्टी तरफ पूरी को उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो ये पूरी सिलाई उल्टी बन के कंप्लीट हुई, दस सिलाइयों का डिजाइन था, इस तरह से ये बन के आया। अब दोबारा से जब इस डिजाइन को स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको एक बार फिर से बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको बुनने में प्रॉब्लम नहीं होगी। दोबारा से डिजाइन स्टार्ट हो चुका है, एक दो तीन चार, फिर दो का एक करेंगे ऐसे, फिर धागा पीछे करेंगे ऐसे घुमाएंगे, जो ये जाली वाला बीच में सेंटर में फंदा है इसको जाली डालते हुए सीधा बुनेंगे, फिर घुमाएंगे जाली डालेंगे इस तरह से, धागा आगे करके ऐसे घुमाएंगे जाली डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने चार फंदे उल्टे बुनने हैं, एक दो तीन चार। अब यहाँ पर तीन का एक करेंगे, दोनों तरफ सीधे फंदे हैं बीच में उल्टा फंदा है, तो यहाँ पर तीन का एक बनाएंगे, क्योंकि डिजाइन जो स्टार्टिंग में यहाँ से था वही डिजाइन फिर शुरू हो गया है। फिर से चार फंदे, चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार। अब धागा पीछे करेंगे ऐसे घुमाएंगे और इसको सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ ऐसे घुमाएंगे और चार फंदे फिर से उल्टे, एक दो ऐसे, धागा घुमाएंगे जाली डालेंगे और दो का एक बनाएंगे ऐसे, फिर आगे के चार फंदे उल्टे। तो ये डिजाइन की दोबारा से मैंने डिजाइन को स्टार्ट किया है और डिजाइन की ये फर्स्ट रो है, इस तरह से डिजाइन फिर से बनना शुरू हो गया। तो 10 सिलाइयों का डिजाइन था, जब आप 10-10 सिलाइयां बार बार रिपीट करेंगे तो देखिए इस तरह से बिल्कुल नए डिजाइन का ये स्कैलप बॉर्डर का डिजाइन बन के आ जाएगा। आप इसको बॉर्डर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और आप इसको लेडीज कार्डिगन में, लेडीज जैकेट में, गर्ल स्वेटर में, बेबी स्वेटर में, फ्रॉक में, टॉप में, कैप में, कुर्ती में, किसी में भी डालिए, बहुत ही प्यारा सा डिजाइन ये, बिल्कुल नया डिजाइन है और बिल्कुल आसान डिजाइन है, इसको बिगनर्स भी आसानी से बुन लेंगे। सीधी तरफ से इस तरह से नजर आएगा और उल्टी तरफ से ये इस तरह से नजर आएगा, बहुत ही प्यारी सी लुक बन के आएगी। अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिएगा, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहें। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा यह डिजाइन कैसा लगा और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।